अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ मैक्रोनी रेसिपी, क्योंकि आज हो रही थी बारिश तो हमने सोचा क्यों ना मैक्रोनी बनाई जाए। तो यहाँ पर हमने ली है शेल मैक्रोनी पास्ता, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनता है और मेरी बहन की रेसिपी से तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आज वो बना रही हैं शेल मैक्रोनी पास्ता, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ शेल मैक्रोनी पास्ता रेसिपी शेयर करूँ। तो सबसे पहले हमने बॉयल कर ली मैक्रोनी, देन हमने दूसरे फ्राई पैन में हसब ज़रूरत ऑयल ऐड करना है, देन लहसुन एंड अनियन ऐड करना है और उसे अच्छी तरीके से सौते कर लेना है। जब वो दोनों सौते हो जाएं तो उसके अंदर आप चिकन ऐड कर दें और उसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, ताकि चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर ले। चिकन फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करने हैं टमाटर। टमाटर हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारी चिकन अच्छी तरीके से गल जाए और हमें मज़ीद पानी ना डालना पड़े। टमाटर डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से भून लें और टमाटर गल जाएं, तो उसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में सॉल्ट ऐड होगा, कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हमें रेड चिली पाउडर नहीं डालनी शेल मैक्रोनी पास्ता में। और इसके अंदर हम कैप्सिकम और कैबेज डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ज़्यादा हमें कुक नहीं करना वेजिटेबल्स को, हमें बस हाफ कुक करना है, यानी सौते से करना है। वेजिटेबल्स फ्राई होने के बाद हमें थोड़ी कम लग रही थी काली मिर्चें, तो हमने ऊपर से भी थोड़ी ऐड कर दी। कोई इशू नहीं है, आप डाल सकते हैं ऊपर से। उसके बाद हमने केचप ऐड करी है इसके अंदर और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। और इसके बाद हमने इसमें मैक्रोनी ऐड करनी है, मैक्रोनी बॉयल हुई हुई जो आपने बॉयल की हुई थी पहले, उसे ऐड करने के बाद आपने उसे अच्छी तरीके से दम दे देना है और गरम गरम सर्व करें, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मैक्रोनी के साथ साथ मेरे पास और भी इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है जो कि आप देखेंगे मेरी इसी वीडियो में आगे जाकर। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो ये थी हमारी मैक्रोनी की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी थी। तो यहाँ सुभान और मैं खाने लगे हैं मैक्रोनी, जो कि बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्पाइसी थी और हमें खाते हुए बहुत ही मज़ा आया। आप लोगों को लग ही रहा होगा कितने हम लोग शौक से खा रहे हैं और घर में सभी को बहुत पसंद है और यहाँ तक कि सुभान को भी बहुत पसंद है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से खा रहे हैं। दिखने में बहुत क्यूट, बहुत ही माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और वाव वाव भी बोल रहे थे मुसलसल, क्योंकि उन्हें बहुत ही डिलीशियस लग रही थी मैक्रोनी। और मुझे भी कसम से बहुत ही डिलीशियस लगी मैक्रोनी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। ये मैक्रोनी रेसिपी मेरी बहन की रेसिपी थी, जो कि बहुत ही डिलीशियस खाने बनाती हैं और उनका चैनल है खुद का सबा जीशान नाम से। तो आप प्लीज़ उस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्पैगेटी भी बना ली और यहाँ पर हम स्पैगेटी भी खा रहे हैं और बहुत ही इंजॉयमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही इंटरटेनमेंट कर रहे थे छत पे, क्योंकि बारिश का दिन था तो इन्हीं चीज़ों से बहुत ही मज़ा आता है घर में सब हों और इस तरीके की इंटरटेनमेंट करें। और मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही थी। और ये देख सकते हैं आप ऊपर का व्यू कितना ब्यूटीफुल, कितना ग्रीन ग्रीन, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बारिश के दिन में। और यहाँ पर हमारी तरफ तो पार्क भी है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूँ। अल्लाह हाफिज़।